हाय गाइस, नए ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं उठ गया हूँ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ये वाली वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। गाइस, जैसे कि देख रहे होंगे चेहरे में मेरे गर्मी हो रही है, मेरे काफ़ी पिंपल्स निकलने हैं। अब मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, मैंने डॉक्टर को भी दिखा रखा है, पर क्या करें, इनको रोक नहीं सकते, पर कोशिश रहती है कि ना हो क्या करें आप। तो गाइस, मैं तैयार हो गया हूँ जिम के लिए। आज मेरा फर्स्ट डे रहेगा जिम का आफ्टर ईद। ईद के बाद मुझे इतना तगड़ा वायरल हो गया था, मैं बता नहीं सकता, बहुत तगड़ा वाला वायरल हो गया था। मैं होम स्टे कर रहा था दादा दादी के साथ। आज मैं घर आया हूँ, आज है तारीख 24। तो आज से हमारा जिम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, कंटिन्यू रहेगा और इंशाल्लाह डेली व्लॉग आएंगे, मतलब हर डे का व्लॉग आएगा जिम का। और जो भी मैं बाकी एक्टिविटीज़ करूँगा जिम के अलावा, जैसे बाहर जाना, शॉपिंग और सम टाइम यू नो घूमने जाना और शॉप पे जाना, मतलब मैं हर एक्टिविटीज़ करूँगा, कोशिश यही रहेगी। और मेरी ईद मेरठ में बनी, काफ़ी बढ़िया गई। ईद मैं बना नहीं पाया क्योंकि तबीयत में बता ही रहा हूँ, ईद के बाद से मेरी बहुत डाउन हो गई थी, वायरल था, उतर रहा था, बुखार जा रहा था, उतर रहा था, तो यही हो रहा था। आज मैं अपने होश में आया हूँ, मतलब परसों से। तो उम्मीद है अब मैं सही रहूँगा और बाकी अब मैं पूरी यू नो फिटनेस पर ध्यान दूँगा इंशाल्लाह। बाकी दुआ की दरख्वास्त कि मैं सही हो जाऊँ। और बाकी अब मैं बना रहा हूँ खजूर शेक बना रहा हूँ, मेरी खजूर जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, खजूर शेक बना रहा हूँ, नटराज के रहा हमारा मिल्क और ये रहा हमारा ड्राई, इसको डालूंगा शेक जिल के, अप्रॉक्स 8 to 10 खजूर डालूंगा। चलो मैं बना के फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस, ये मैंने बना लिया, इसमें मैं हनी हनी डालना भूल गया था। मैं हनी का मतलब एक स्पून डाल लेता हूँ, हनी में वाला यूज़ करता हूँ हमदर्द का, तो इसमें मैं हनी डाल लेता हूँ। बाकी है ना, बाकी मैंने बना लिया है ना, कोई नहीं सही से ग्राइंड मैं करके बताता हूँ आपको। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं शेक तैयार हो चुका है। मैंने ये रहा मैंने इसमें हनी डाल लिया था अप्रॉक्स 2 स्पून। तो आप पीते हैं इसको, मैं बताता हूँ कैसा है टेस्ट। तो गाइस, हमने शेक पी लिया है, खजूर शेक पी लिया है। तो अब चलते हैं जय, आ जाऊँगा बाइक से। तो मैंने पूरा पी लिया, अभी हाफ एन आवर लग जाएगा, पहले मैं एक जगह भी जाना है मुझे, उसके बाद मैं जाऊँगा जैम। आज करेंगे जैम, देखते हैं क्या होता है। वार्म अप करूँगा और कुछ नहीं करने का आज तो, क्योंकि यार अगर ज़्यादा कुछ कर ली तो दिक्कत आ जाएगी, मतलब समझ सकते होगा आप, मतलब जिम गाइस के बारे में। तो ठीक है, मिलते हैं जिम में डायरेक्ट। ओके, अगर बीच में हुआ तो दिखा दूंगा कुछ, अगर बढ़िया जगह मिली, पर ठीक है चलो बाय। तो गाइस, मैं जिम आ चुका हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे रहेगा 90 डे चैलेंज में। जिम आ चुका हूँ, मैं ट्रेडमिल 10 मिनट्स ही करता हूँ अब, बाकी वार्म अप कर लेता हूँ पहले, उसके बाद से स्टार्ट करता हूँ। मैं दिखा देता हूँ आपको ज़रा थोड़ा व्यू। तो गाइस, मैं नीचे आ चुका हूँ एक्सरसाइज करके। तो आज की एक्सरसाइज हो गई है पूरी, मेरी शक्ल से देख सकते हो मैं थक चुका हूँ काफ़ी। तो आज हमने सारी वार्म अप कर ली, सारी मिक्स चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप्स, शोल्डर और बैक की, सब की मतलब मिक्स कर लिया। मैं घर चलता हूँ, घर आज की हो गई एक्सरसाइज पूरी। अब देखते हैं, 3-4 दिन वार्म अप रह गए यानी, उसके बाद देखते हैं फिर करना क्या है। बाकी आज मैं थक गया हूँ, पानी भी नहीं लाया था, फर्स्ट डे था। और बाइक येरी खड़ी है आपकी, तो अब चलते हैं बाय। तो गाइस, मैं आ चुका था घर, अब आज का व्लॉग इतना ही रहेगा। आज के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया है कि मतलब मेरा डे 90 चैलेंज स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं कि मैं कब तक मेरा ये जारी रहेगा। मैं कोशिश करूँगा डेली अपडेट देने की, मतलब हर दिन। आज वार्म अप था इसलिए मैंने दिखाया नहीं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करी, वह मैंने बता दिया था। तो इसमें मैं अपना मील प्लान भी बताऊंगा आने वाले टाइम में, कि मतलब मील कौन कौन सी मैं लेऊंगा, मतलब वैसे नॉन वेज ही ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। और बाकी मैं सब बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको पता ही है, क्योंकि मैं सप्लीमेंट तो लेता नहीं, मार्केट सप्लीमेंट वो सारे वो रहते हैं बेकार। तो मैं आपको सब बताऊँगा कि मैं क्या क्या रहा, और मुझे देख लीजिए, अभी मैं फ़ोटो भी डालूंगा कि देखें पिंपल्स भी हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो, इधर भी हो रहे हैं, अभी अब सही हो रहा है, मतलब बॉडी वाटर कम पी रहा था इनटेक, वाटर इनटेक के चक्कर में। तो मैं आपको सब बताऊंगा पूरा कि वाटर कितना, मैं 4 लीटर स्टार्ट कर दूंगा आज से ही, मतलब आज 24th of April हो गई है। अब कोशिश रहेगी कि मेरा मतलब मैं कोशिश करूँगा 90 डे चैलेंज के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसको 6 मंथ मतलब स्टार्ट करेंगे 180 डे चैलेंज। तो ऐसे हम करते रहेंगे, अगर हम इसमें सफल रहा, मैं यकीन है आप अगर मुझे प्यार दोगे मेरी हर वीडियो पे, तो मैं इसमें भी सफल रहूँगा। और बाकी पूरी कोशिश रहेगी, मतलब
बाकी इस टाइम मैंने वेट मैंने अपना करा तो मेरा वेट एट मतलब अप्रोक्स, अब तो क्लोथ भी समर के वैसे होते हैं हल्के, तो उस पर आता 73.700, तो मतलब 74 के करीब है। और मैंने कुछ खा रखा नहीं था तो मतलब इतना वेट है। अब मेरा वेट का मतलब एंड ऑफ द ईयर मेरा 85 का टारगेट है वेट का। वैसे बाकी कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कितना बढ़ता है। 85 वो वाला है मतलब मसल्स टारगेट है, चेस्ट और वो ही, बाकी कोशिश करते हैं। और बाकी मील में तो मैं मतलब मॉर्निंग का तो अभी करने का नहीं, वो मंडे से करूँगा। अभी तो जो फोर जो मतलब हमारे बचे हैं ना, 3-4 दिन बचे हैं ना मतलब वीकेंड में, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो मेरा इवनिंग रहेगा। बाकी मेरा मंडे से मॉर्निंग में जिम स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरा रेगुलर जो होगा मॉर्निंग में होगा, क्योंकि मॉर्निंग का करना है मैंने। इवनिंग का तो सर्दियों में बढ़िया रहता है, पर अब मुझे जो हमारे वो हैं समर्स, उसमें मुझे उसका करना है, क्या कहते हैं, मॉर्निंग का। वो सही रहता है, हाइड्रेट रहती है पूरी बॉडी, फिर पूरा दिन काफ़ी मिल जाता है खाने को। बाकी और सारी चीज़ें मैं अपडेट देता रहूँगा, तो मेरी वाली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आने वाली वीडियो देखने के लिए ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती है। बाकी खूब मज़े लो, बाय।